हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली रवा से बनने वाले एकदम क्रिस्पी और एकदम मसालेदार कचौरी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें डाल देना है पानी। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच घी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी एक एक करके सारी चीज़ें पानी के अंदर डाल देनी है और फिर इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी में एकदम अच्छे से बॉईल आने देंगे। तो देख सकते हैं गाइस, पानी में एकदम अच्छे से बॉईल आ गई है। तो इसके बाद यहाँ पर इस तरह से रवा ऐड करते जाओ और कंटिन्यूस चलाते जाओ, ऐड करो और चलाओ, ऐड करो और चलाओ। इस तरह से आपको ये वाला स्टेप कर लेना है, ठीक है। जब तक ये सूजी पूरा पानी ऑब्जर्व नहीं करती तब तक इस तरह से सूजी डालो और चलाते जाओ। थोड़ी देर में जो सूजी है ना, पूरा पानी अब्सॉर्ब कर लेगी और एकदम डो फॉर्म में बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, एकदम डो फॉर्म में बन गया है। तो इसके बाद गैस को कर लेना है बंद और कढ़ाई को ले लेंगे नीचे, ठीक है। और जो अभी रवा हम लोग ने डो फॉर्म में बनाया है ना, उसको एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और 2 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 2 मिनट के बाद इसमें से थोड़ा सा एक हिस्सा लेना है और उसको इस तरह से गोल गोल करके देखना है। ये गोल शेप में बन जाएगा ना, तो मतलब ये डो रेडी है। तो इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और साथ में इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इस तरह से आपको भी डाल देना है। फिर इनको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे नॉर्मली हम आटा कैसे गूंथते हैं इस तरह से आपको भी कर लेना है, ठीक है। तो अभी आलू का मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डाल देंगे ऑयल और ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद यहाँ पर डाल देना है जीरा और साथ में इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी हींग। फिर इसमें डालेंगे ग्रीन मिर्ची, साथ में डालेंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ता। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बड़ी यूज़ कर रही हूँ। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर हम एक एक करके सारे मसाले डालेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, साथ में इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसके बाद यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है। तो इसी तरह से एक एक करके सारे मसाले डाल दो और अच्छे से इसको मिक्स कर लो। और 1 मिनट के लिए पकाने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू। आलू डाल दो, फिर इसको अच्छे से मिक्स करते जाओ और आलू को मैश करते जाओ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है। तो ये हमारा आलू का मसाला बनकर रेडी भी हो गया है। गैस को बंद कर लो और इसके अंदर डाल दो थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छे से इसको वापस से मिक्स कर लो और 2 मिनट के लिए ठंडा होने दो। और दो ठंडा हो जाएगा ना, तो इसके बाद इसको इस तरह से गोल 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 वड़ा बना लेना है। जैसे नॉर्मली हम वड़ा पाव के कैसे वड़ा बनाते हैं, इसी तरह वड़ा बनाकर साइड में रख देना है। और यहाँ पे जो हम लोग ने रवा का आटा गूंथ लिया था ना, उसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा चावल का आटा। चावल का आटा डालने के बाद इसको वापस से इस तरह से गूंथ लेना है ताकि जो चावल का आटा और सूजी है ना, वो आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है और इसका डो बांध लेना है। तो देख सकते हो डो मेरा बनकर रेडी भी हो गया है। तो इसके बाद डो में से एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और उसको इस तरह से गोल 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 शेप देते जाएंगे। तो देखो इस तरह से गोल दो और फिर बीच में से प्रेस करो और इस तरह से दोनों हाथों से है ना, इसको इस तरह से करते जाओ। जैसे नॉर्मली हम कचौरी कैसे बनाते हैं, उसी तरह से आपको ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। तो इस तरह से हाथों से घुमाते हुए थोड़ा सा बड़ा शेप दे दो। इसके बाद जो हम लोग ने आलू का मसाला बनाकर रेडी किया था ना, वो आलू का मसाला डाल दो और फिर है ना रवा से एकदम अच्छे से उस मसाले को कवर कर लेना है और फिर वापस को इस तरह से गोल 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 करते हुए हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लो और इस तरह से उसका शेप दे दो कचौरी जैसे, ठीक है। यहाँ पर कढ़ाई में एकदम ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म कर लो और फिर कचौरी डालो और फिर इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से सेक लो और 2 मिनट के बाद इसको इस तरह से केयरफुली जैसे पलट लेना है। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है, ठीक है। इस तरह से पलटते पलटते इसको एकदम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का पका ले बना लेना है। तो देख सकते हो गाइस, एकदम अच्छे से हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, मतलब ये हमारी कचौरी बनकर रेडी भी हो गई है। तो कभी आपने इस तरह से रवा की कचौरी खाई है? नहीं खाई होगी तो एक बार जरूर ट्राई करें। ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनती है, अंदर से एकदम सॉफ्ट और साथ में मसालेदार बनती है। तो मेरे कहने पर आप पर बना कर देखें और फिर मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है गाइस। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इंजॉय।